आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज हरिद्वार के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिव्य प्रेम सेवा मिशन के रजत जयंती समारोह में शिरकत की। इस दौरान राष्ट्रपति ने आश्रम परिसर में पौधा भी लगाया। वहीं ऋतु खंडूरी उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष बनी है। विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद ऋतु खंडूरी शहीद स्मारक पहुंची। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर ऋतु खंडूरी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपने प्राणों की आहुति देने वाले राज्य, आंदोलनकारियों का बलिदान हमेशा याद रखेगा प्रदेश। देखिए उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शहीद स्मारक पर जब ऋतु खंडूरी पहुंची थी, साथ ही साथ उन्होंने श्रद्धांजलि दी और कहा कि अपने अमर शहीदों की श्रद्धांजलि को प्रदेश हमेशा याद रखेगा। ऋतु खंडूरी उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष बन गई हैं। ऋतु खंडूरी उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर हैं। ऋतु का कहना है कि उनकी कोशिश होगी कि सदन सही ढंग से चले और जनहित के मुद्दों पर सदन में बातचीत हो। उत्तराखंड को ऋतु खंडूरी के रूप में पहली महिला अध्यक्ष मिल गई है। कोटद्वार से ऋतु खंडूरी को उत्तराखंड विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। आज गौरवपूर्ण क्षण मेरे लिए तो है ही, उत्तराखंड के लिए भी गौरवपूर्ण क्षण है कि आज पांचवी विधानसभा उत्तराखंड में हम विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर एक महिला को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। बहनों का ही नहीं, उत्तराखंड का सम्मान हुआ है। ऋतु खंडूरी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी की बेटी है। राजनीति उन्हें विरासत में मिली। कोटद्वार से चुनाव जीतने के बाद से ही उनका नाम पहले मुख्यमंत्री और फिर मंत्री पद के लिए चल रहा था। हालांकि सीएम और मंत्री पद की रेस से ऋतु बाहर हो गई, लेकिन अब उन्हें विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। मैं भी दूसरी बार जीत कर आई हूं और मैंने पिछली बार इस चीज को देखा था कि आप जितना सदन में बैठते हैं, जितना आप चर्चाओं में भाग लेते हैं और जितना चर्चाओं को सुनते हैं, हमारे सदन में बहुत प्रबुद्ध लोग हैं और वक्ता बहुत अच्छे हैं, फैक्ट्स बहुत अच्छे बताते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस बहुत अच्छे लोगों को पता है, विधायकों को पता है। तो नए जो हमारे विधायक आए हैं उनसे मेरा यही निवेदन था कि हमें चर्चाओं में भाग लेना चाहिए, चर्चाओं में बैठना चाहिए, ताकि हम अपने को अच्छा विधायक की तरह डेवलप कर पाएं। राज्य गठन के बाद से ही ये पहला मौका है जब कोई महिला विधायक विधानसभा अध्यक्ष बनी है। इससे पहले धामी सरकार में ऋषिकेश से विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, मगर इस बार प्रेमचंद्र अग्रवाल को धामी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा और रवि कैंतुरा की रिपोर्ट।